अपनी काजू है। ये बहुत ज्यादा रहते हैं आपने। हाँ जी, अपनी सब्जी दिल से बना रहे हो आप तो। अरे भाई भाई भाई, और क्या क्या आ गया? टमाटर, टमाटर की ग्रेवी, टमाटर की ग्रेवी। सर दिल से बनाते हैं, जब भी तो यहाँ भीड़ लगती है। सही है, ये काजू करी तैयार, काजू करी तैयार हो गया। हेलो, अपने अमर बन्ने नो भाई नो फोटो फोटो पाड़ी ली हमने। अहिया आप लोग माटलू मुकी दीदू है। ले भाई, आ तुम्हारे खाव हो ने तो आ माटला में थी लई लेवानू। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, केम छो? आप होस्ट रोनी। अत्यार हवे छे ने माउंट आबू की सफर आप चालू है, तमने खबर छे। तो भाई तमने फरवा थी लईने जमवा सुधीनो रहेवा सुधीनी बधी ज माहिती आ आपणा चेनल पर तमे बताई रह्या छे। तो हवे आजे जे छे ने तमारा जमवा माटे कई जगह जवू जोईए अने फूड रेसिपी थी बधुं तमने बतावानो छुं। अत्यारे हुं क्यां आव्यो छुं ए पण तमने बताई दू। एक्झेक्ट आ बोर्ड छे અને આ છે ને આંબેડકર સર્કલ કહેવાય છે, માઉન્ટ આબુની અંદર કહેવાય ને સેન્ટર પોઈન્ટ કહેવાય છે આ બધું જગ્યા। તો આ જગ્યા ઉપર તમે ગમે ત્યારે આવો ને તો આ પોઈન્ટ તો ખાસ આવવું જ પડે। તો અહીંયા છે ને તમને અર્બુદાનું એક આખું કોર્નરનો ભાગ તમને અહીંયા જોવા મળી જશે। અહીંયા તમને પંજાબી બહુ જ મસ્ત મજાની મળે છે, તો આપણે એની રેસીપી પણ તમને બતાવીશું। અને કમલેશભાઈની ચેનલ ઉપર આખું બધું વિડીયો પણ બનાવ્યો છે, એમની ચેનલ પર પણ જોતા રહો છો। તો તમને હવે અંદર પણ લઈ જાઉં છું, હાલો। આ સાથે એક આમનો કોન્સેપ્ટ મને ખૂબ જ વધારે પસંદ છે, ઓપન કિચન। મતલબ તમે અહીંયા બેસીને તમારે અહીંયા અત્યારે શું કિચનમાં બની રહ્યું છે એ પણ તમે લાઈવ તમે જોઈ શકો। આ પણ તમારે ત્યાં રાખવું જોઈએ અને કિચનના દરવાજા ખુલ્લા છે, તમે એની ટાઈમ તમે અંદર જઈ શકો છો। જુઓ આખું કિચન તમે જોયા મળી શકે છે, આ ટાઈપના કોન્સેપ્ટ પણ હોવા જોઈએ। એ કે ટામેટા કી સબ્જી, સેવ ટમાટરની સબ્જી છે, ये सर जी कौन सा बनाने वाले हो अभी? ये नरगिस कोफ्ता बन रहा था। नरगिस कोफ्ता, क्या क्या डाल रहे हो यहाँ? नमक डाला, मिर्ची डाला, हल्दी डाला, कस्तूरी मेथी डाला, साबुत गरम मसाला डाला, खोबरा पाउडर डाला, खोबरा पाउडर हल्का पानी का छीटा मारा, हल्का क्रीम डाला, क्रीम जी, हल्का बटर डाला, ये हल्का पनीर डाला, पनीर आ गया। अरे भाई भाई, हल्का ये पालक आ गया, ग्रीन पालक की पेस्ट है सर। अच्छा, ये हल्का रेड ग्रेवी आ गया। रेड ग्रेवी में क्या क्या डालता है सर? मगज है, प्याज है, लहसुन है, टमाटो है। ओके, ये टमाटो ग्रेवी आ गया, टमाटर की भी। हाँ, अब ये सर तैयार हो गया। हो गया। क्या बात है। और ये कौन सा क्या डाला है यहाँ पर इसमें? ये नरगिस कोफ्ता बन गया सर, ये नरगिस कोफ्ता तैयार हो गया सर। ये कोफ्ता में क्या क्या रहता है इसमें? कोफ्ते में रहता है पनीर है, खोपरा है, मावा है, काजू है। ये पहले से करके रखते हो? हाँ सर, बना के रखते हैं, अभी ये माल वहाँ पड़ा है। बराबर है। और अभी क्या बनाने वाले हो यहाँ? बनाएंगे काजू करी। क्या बात है। और क्या डाले पहले? ये प्याज टमाटर ये मसाले तड़के बने हुए हैं। ओके, नमक डाला, हल्का मिर्ची डाला, धनिया डाला, गरम मसाला डाला, कस्तूरी मेथी डाला, साबुत गरम मसाला का पाउडर डाला, हल्का ये क्रीम मारा, ये हल्का पनीर डाला, ये अपनी काजू है। ये बहुत ज़्यादा रहते हैं आपने। हाँ जी, अपनी सब्जी दिल से बना रहे हो आप तो। अरे भाई भाई भाई, और क्या क्या आ गया? टमाटर की ग्रेवी। सर दिल से बनाते हैं, जब भी तो यहाँ भीड़ लगती है। सही है, ये काजू करी तैयार हो गया। अभी चना मसाला बनेगा। हाँ जी, टमाटर डाल दिया, नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, चना मसाला का पाउडर। अभी ये सर चना आ जाएगा इसमें। कौन सा? काबुली चना रहता है? काबुली चना, व्हाइट वाला काबुली चना। क्या बात है, सिंपल मसाले से बन रहा है ना? सिंपल। और ये क्या डाल दिया भैया? ये ग्रेवी डाला। क्या रहती है उसमें? मगज, खसखस, हाँ, प्याज, टमाटर। ओके, टमाटो ग्रेवी आ गया इसमें। बस ये अपना रेसिपी तैयार हो गया चना मसाला का। लो, आपने तो 10-15 सेकंड में पूरी सब्जी तैयार कर रहे हो यहाँ पर। तो लो, ये तैयार हो गया चना मसाला।
ये कौन सा डोसा है सर जी? स्प्रिंग डोसा। इसमें क्या क्या रहता है? चटनी। अच्छा, इसमें कॉबी, काकड़ी, शिमला मिर्च। ये मैसूर मसाला उत्तपम। मैसूर मसाला उत्तपम। ये रवा। रवा। ये हमारे अन्नपूर्णा माता जी है। हाँ, इनकी कृपा से यहाँ ये सब आज चलता है। हाँ, ये 20 साल से ओके कांस्टेंट अखंड ज्योत है। ओके, मेहरबानी है तो माता अन्नपूर्णा की है। अच्छा, क्यों जमानो यहाँ? फर्स्ट क्लास ने बस तमें क्या थी? अरे भाई भाई लो केम के मोरबी बाजू में राजकोट आई गयो। चलो वाला। अच्छा, एवं से थैंक यू। जो आपने पनीर लजा ने शू मंगा है? पनीर लजीज। पनीर लजीज एवं से जो आप पनीर लजीज मंगाव्य है? काजू गाठिया। काजू गाठिया से? काजू गाठिया बराबर है। अने अँ स्पेशल डोसा मंगावड़ा है, स्प्रिंग डोसा नाम पड़ेलू है। अने चलो हमें आप स्प्रिंग नाखे अंदर से ने? अंदर वेजिटेबल नाख्या है, काकड़ी है, कोबी है, एट बधुँ स्प्रिंग जेवं थी गयु। जो आ पनीर लजीज शू बात है, लजीज आइटम लागी तो रही है। आ काजू गाठिया, अपने काजू करी ने सब्जी तमे जोई ने रेसिपी ने केवू लाग्यु ते बधुं कॉमेंट करजो। आपणे आवी बधी रेसिपी वाला विडियोज भी तमने जोता होय ने तो आपणी आ चेनल ने सब्सक्राइब करी नाखो यार, आपणी व्लॉग चेनल ने। अने एनी लच्छा रोटी जेवी लागे छे भाई, हे ने? लच्छा परोठा बराबर। अने आ पहेला थोड़ी सेद मने डुंगळी आवी तो कट करीने नहीं फोड़ी पण आचो कहूं भाई, तमारा घरे मग मसाला बन्यो होय अथवा तो कंईक एवं बन्यू है ना खीचड़ी जेवू, तरह डूंगी से नानी आम थी लेवानी अने हाथनी आ कोणीनो भाग जे छे ने एम तोड़ीने खावानी मजा आवे ने। एक ई समाजनी एक आर्ट छे जे डूंगी खोड़े ने पण हाचो कोई आ बधा आ डूंगी करता छे ने मीठी वधारे लागे, साची याद ने? तो चलो आरू आवी गयू छे ने ऊपर थोड़ू सेज नमक डूंगी ने भाई सजाई देवी पड़े थोड़ी घनी। हलो आ एक एक लेयर छूटू पड़े परोठा में। हो भाई लजीज आइटम ज खासू ने भाई, आना शेप जे बनावे एक एक दिलती वस्तु नाखे अरे भाई लजीज आइटम लजीज बने। अने अँनी जाओ जलाली जोरदार जो भाई लाइटिंग बाइटिंग आम बैठा हो ने। हलो अपने अमार बने भाई ने फोटो पाड़ी लीए, हमने पड़ी गय आज थमदील बनसो। चलो आ एटलू मसन है, क्रीम नाखेली है, पनीर है, अने पंजाबी ग्रेवी कहवाय है ये वस्तु नाखवामां आवी छे जोरदार। અને એના બે કાજુ ગાંઠિયા છે એ ટ્રાય કરીશું। વાહ, જો ભાઈ કાજુ ગાંઠિયા છે એરા એટલી મજા આવી ગઈ ને, તમને રેસીપી પણ જોવાની મજા આવી ગઈ ને। અને થેન્ક યુ સો મચ, તમે પણ આવી રીતે સરસ બધાને કોને ખવડાવતા રહો છો બરાબર? હા, અમ્મા અન્નપૂર્ણા અહીંયા સાક્ષાત બેઠા છે ને એટલે પછી કાંઈ જોવાતું નથી આવતું બરાબર। હવે બીજી એક ખાસ અહીંયા હરબુદાની વસ્તુ તમને જણાવ, ત્યારે તમે ખાઈને કમ્પ્લીટ અહીંયા બહાર આવી જાઓ ને તો મુખવાસનું છે ને આ ટેબલ કે આ કાઉન્ટર ઉપર નથી, અહીંયા આપેલું છે માટલું મૂકી દીધું છે। લે ભાઈ, આ તમારે ખાવું હોય ને તો આ માટલામાંથી લઈ લેવાનું, આ ગળો મૂકેલો છે જુઓ છે ને, એટલે હું પણ હવે થોડુંક લઈ લઉં છું। આ બધી યુનિક યુનિક વસ્તુ છે, આપણે મેં તો ધ્યાન મારું ગયું તો મેં કહ્યું લાવો તમારી સાથે પણ વાત શેર કરું। અને આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો, અને આવા તમે આ માઉન્ટ આબુની અંદર આવો તરબુદારની અંદર જમવાનું તમે ભૂલતા નહીં, ખાસ અહીંયા ઓપન કિચન સિસ્ટમ છે એટલે તમે કિચનમાં પણ તમે જોઈ શકશો। તો ચલો નવા વિડીયો સાથે, નવી જગ્યા સાથે, નવી મોજ મસ્તી સાથે આ માઉન્ટ આબુની સફર ચાલુ છે, નવા વિડીયો સાથે મળીશું। જય હિન્દ, રાધે રાધે।